हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनी और आप देख रहे हैं दी होप स्टोरी। तो अगर आप जाने वाली हैं गर्मियों की छुट्टियों पर, या आप ढूंढ रहे हैं अपने ऑफिस वेयर के लिए कुछ कॉटन ड्रेसेस, या आप अपने स्टाइल को कुछ चेंज करना चाहती हैं और पुराने कुर्ता सेट्स को छोड़कर कुछ नई ड्रेसेस को ट्राई करना चाहती हैं, तो ये वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ही काम का, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आई हूं आप सब लोगों के लिए मिंत्रा से कुछ ऐसी ड्रेसेस जो कि बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है और बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल है। तो चलिए सीधा चलते हैं आपकी स्टाइल की जर्नी में आगे। वैसे कुछ स्टाइलिंग इंस्पिरेशन तो आप बिल्कुल ले ही सकते हैं इस वीडियो को देखकर, लेकिन डेली डोज ऑफ स्टाइलिंग इंस्पिरेशन के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो इंस्टाग्राम पर भी। मेरा हैंडल है दी होप स्टोरी ऑफिशियल। और जितनी भी आउटफिट्स आज आप देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, उन सब के परचेजिंग लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेंगे। तो जो पहली आउटफिट है वो मुझे लगता है उन लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है जिनको वेस्टर्न कट में अच्छे लगते हैं ट्रेडिशनल प्रिंट्स। सिल्वर जो है इस ड्रेस की वो ए लाइन है जो ज्यादातर बॉडी शेप के ऊपर अच्छी ही लगती है। कॉलर नेक लाइन है और एल्बो स्लीव्स हैं। प्रिंट की डिटेलिंग कुछ इस तरीके से है इस ड्रेस में कि आपकी वेस्ट को ये बहुत ही अच्छे तरीके से एक डेफिनेशन देगी। नी लेंथ तक आपको ये ड्रेस आएगी। मैंने सारे ड्रेसेस में जो साइज ऑर्डर किया है वो है लार्ज और मेरी हाइट जो है वो है 5'1". फैब्रिक जो है इस ड्रेस का वो है प्योर कॉटन, थिक वाला कॉटन आप इसको कह सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। मैंने अपनी सारी ड्रेसेस के अंदर साइक्लिंग शॉर्ट्स पहनी है, जो कि ज्यादातर मैं पहनना पसंद करती हूँ अपनी ड्रेसेस के अंदर। और इस ड्रेस के अंदर आपको पॉकेट भी दी गई है जो कि डेफिनेटली इसको बहुत ज्यादा वेयरेबल बनाती है, प्रैक्टिकल बनाती है डेली लाइफ में पहनने के लिए। ये ड्रेस कुछ इस तरीके की है कि आप इसको इजीली स्टाइल कर सकते हैं, ऑफिस वेयर के लिए भी बिल्कुल आप इसको स्टाइल कर सकते हैं। अगर आप हॉलीडेज पर जा रहे हैं या अगर आप किटी पार्टी में भी इसको स्टाइल करना चाहते हैं तो इजीली स्टाइल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्टाइलिंग को कैजुअल लुक के अकॉर्डिंग किया है, लाइक मैंने यहां पर कैरी की है अपनी प्लेटफॉर्म स्लिपर्स और साथ में ये टैन कलर का स्लिंग बैग लिया है। काफी मिनिमलिस्टिक ज्वेलरी का इस्तेमाल किया है मैंने इस लुक को स्टाइल करते हुए और मुझे ये ड्रेस काफी ज्यादा प्रैक्टिकल लगी डेली लाइफ के लिए। और नेक्स्ट ड्रेस है ये इंक ब्लू कलर की योक वाली ड्रेस। और योक वाली जितनी भी ड्रेसेस होती हैं वो भी आपकी वेस्ट को एक डेफिनेशन देती हैं, जो कि डेफिनेटली आपके लिए एक आर ग्लास शेप जो है क्रिएट करता है। फैब्रिक जो है इस ड्रेस का वो कॉटन मिक्स्ड है और हॉल्टर स्लीव्स हैं और हाई नेक लाइन है। वर्टिकल स्ट्राइप प्रिंटिंग है इस ड्रेस के ऊपर जो कि डेफिनेटली आपको एक टॉलर लुक देगी। ऑफिस वेयर के लिए काफी परफेक्ट ड्रेस है। अगर आप इसे यूज करते हैं हॉलिडे पर जाने के लिए तो आप बिल्कुल इसके साथ कुछ कैजुअल हैंडबैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लोग अपनी टोन्ड आर्म्स को फ्लॉन्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये जो ड्रेस है काफी अच्छा पिक हो सकती है। मैंने इस लुक को स्टाइल करते हुए डेलिकेट ज्वेलरी का इस्तेमाल किया है और अपनी बेज फुटवेयर और बेज ही हैंडबैग के साथ इस लुक को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट जो ड्रेस मैंने पिक की मिंत्रा से, उसे आप एक क्लीन सिल्वेट कह सकते हैं। ये सिंपल ए लाइन सिल्वेट की ड्रेस है जिसमें कि बहुत ज्यादा घेरा नहीं है, एक ऐसा एप्रोप्रिएट घेरा है जिसको आप इजीली किटी पार्टी में कैरी कर सकते हो, अपने वर्कवेयर में कैरी कर सकते हो, हॉलिडे पे भी ये ड्रेस आपके लिए काफी ज्यादा केयर फ्री रहेगी। कॉलर नेकलाइन है और नेकलाइन के ऊपर आपको सिंपल बटन की डिटेलिंग है। हाफ स्लीव की ये ड्रेस है। फैब्रिक जो इसका है वो है बहुत ही सॉफ्ट वाला रेयॉन, काफी अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक यूज किया है ब्रांड ने। मुझे पर्सनली इस तरीके की ड्रेसेस में इन्वेस्ट करना काफी ज्यादा पसंद है क्योंकि मुझे लगता है इस किस्म की सिल्वेट कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड या स्टाइल नहीं होती है। मैंने इस ड्रेस के अंदर ऑलिव कलर पिक किया है, लेकिन आपको इसमें और भी कलर ऑप्शंस हैं जो मिंत्रा के ऊपर अवेलेबल हैं, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग या अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग कलर को पिक कर सकते हैं। मैंने थोड़े से एम्बेलिश्ड फुटवेयर को इस ड्रेस के साथ स्टाइल किया है और उसका पर्पस ये था कि सिंपल ड्रेसेस को भी आप एक अच्छा पार्टी वेयर लुक दे सकते हैं कुछ इस तरीके की एक्सेसरीज को यूज करके। और ये सिंपल सा लुक कैसा लग रहा है मेरे ऊपर ये भी आप बिल्कुल बता सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। नेक्स्ट जो ड्रेस है उसे मैं एक परफेक्ट ड्रेस मानती हूँ ऑफिस वेयर के लिए, लाइक जो आपको काफी ज्यादा स्मार्ट लुक भी देगी, या अगर आप किसी डेट नाइट पर जा रहे हो या अपनी फ्रेंड्स के साथ कॉफी पर जा रहे हो और आपको एक इंप्रेसिव लुक क्रिएट करना है, तो बहुत ही सिंपल ड्रेस होते हुए भी ये एक
काफी परफेक्ट एग्जाम्पल है एक इम्प्रेसिव लुक क्रिएट करने का। सिंपली आपको एक ऐसी ड्रेस को पिक करना है जिसमें वर्टिकल स्ट्राइप हो और वो ए लाइन सिल्वेट में हो, जिससे अगर कोई भी बॉडी बल्जेस हैं आपकी बॉडी पर तो वो सिंपली हाइड हो जाएं। और ये कॉलर ड्रेस है और आपको जो शोल्डर दिया गया है वो थोड़ा सा डीप कट शोल्डर है, जो कि काफी ज्यादा स्मार्ट लगता है इस तरीके की सिल्वेट्स में। इस ड्रेस की जो डिटेलिंग है वो भी बहुत ज्यादा सिंपल है। फ्रंट में आपको बटन्स की डिटेलिंग दी गई है और फ्रंट में स्लिट भी है, जिससे कि जो आपका मूवमेंट है काफी ज्यादा इजी रहेगा। फैब्रिक जो है इस ड्रेस का वो कॉटन रेयन है, तो काफी ब्रीदेबल और एयरी रहेगा ये फैब्रिक आपको समर सीजन में। इनफैक्ट मैंने इस ड्रेस को अपने ब्लेजर के साथ स्टाइल करके भी एक वर्कवेयर लुक जो है क्रिएट किया है, तो वो लोग जो काम पर ड्रेसेस कैरी करते हैं वो बिल्कुल इंस्पिरेशन ले सकते हैं। मैंने पाउडर ब्लू कलर के ब्लेजर का यूज किया है, लेकिन आप बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग जैसे कि रेड या येलो कलर के ब्लेजर के साथ भी इस ड्रेस को स्टाइल कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट ड्रेस मैंने पिक की है उसे मैंने पहना हुआ है, ये है लाइट ग्रे कलर की ड्रेस जिसके ऊपर व्हाइट कलर की ब्लॉक प्रिंटिंग है। आप बिल्कुल कह सकते हैं कि काफी वेस्टर्न कट है ट्रेडिशनल प्रिंट में, और मुझे इस किस्म की ड्रेसेस जो है पर्सनली काफी ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि ये आपको एक इंडो वेस्टर्न लुक देती है। अगर आप बोहो लुक्स क्रिएट करना पसंद करती हैं तो बिल्कुल आप ऐसी ड्रेसेस के साथ बोहो लुक्स भी क्रिएट कर सकते हो इजिली। इस ड्रेस का जो फैब्रिक है वो है प्योर कॉटन, काफी ब्रीदेबल एरी फैब्रिक है, परफेक्ट है आगे आने वाले सीजन के लिए। स्ट्रैप्स भी जो इस ड्रेस में दिए गए हैं वो एडजस्टिंग स्ट्रैप हैं, तो आप बिल्कुल नेकलाइन को एडजस्ट कर सकते हो। और बहुत जरूरी होता है स्ट्रैप वाली ड्रेसेस में ये देखना कि जो स्ट्रैप दिया गया है उसमें पीछे एडजस्टमेंट है या नहीं, उससे काफी इजी रहता है नेकलाइन को एडजस्ट करना। और घेरा भी जो इस ड्रेस का है काफी एप्रोप्रिएट घेरा है, ना तो बहुत कम घेरा है और ना ही बहुत ज्यादा घेरा है। और जब भी आप अपनी ड्रेसेस को चूज करें हमेशा आपको ये याद रखना चाहिए कि अगर आप बहुत ज्यादा घेरे की फ्लेयर वाली ड्रेसेस लेंगे तो वो वॉल्यूम ऐड करती हैं आपकी बॉडी में। तो जब भी आप योक वाली ड्रेसेस या वो ड्रेसेस जो आपके वेस्ट को डेफिनेशन दे रही हैं, आप थोड़ा सा जो फ्लेयर है वो कम चूज कीजिए, सो दैट कि आपकी बॉडी में वॉल्यूम ऐड ना हो। आई होप मेरा ये फैशन टिप आपके काम आएगा। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेरे साथ पर्सनलाइज सेशन लेने में तो बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स को। योक वाली ये ड्रेस है और मैंने इसको सिंपली इस तरीके से स्टाइल किया है कि आप इसको ऑफिस वेयर में भी कैरी कर सकते हैं। और सिंपली मैंने एक कैजुअल लुक स्टाइल किया है इस ड्रेस के साथ। मैंने यहाँ पर अपने व्हाइट स्लिंग बैग को लिया है और व्हाइट स्लिपर्स को कैरी किया है। ज्वेलरी में भी मैंने कुछ डेलिकेट पीसेस को यूज किया है। और ये जितनी भी ड्रेसेस आज आपने देखी है इस वीडियो के अंदर वो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी अगर आप कुछ ड्रेसेस को ढूंढ रहे हैं। और आगे आप कौन से वीडियोस हैं जो देखना चाहते हैं इस चैनल के ऊपर मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारी ड्रेसेस के परचेजिंग लिंक आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग। Thank you.